नए संसद भवन का निर्माण अंग्रेजों के टाइम से बना था, नए संसद भवन का निर्माण अगर किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। क्या 70 सालों से ये काम नहीं कर सकते थे? ईडी ने 1.5 लाख करोड़ रुपए का काला धन क्षेत्रीय दलों के नेताओं से जब्त किया है। अडानी के टेम्पू का तो बता दो फिर। एक अडानी का टेम्पू कह रहे प्रधानमंत्री जी भर भर के पैसा कांग्रेस को जा रहा है, अडानी के जहाजों में चढ़ के प्रचार कर रहे हैं, आज अडानी को भेज रहे हैं नोटिस। वो पैसा आप लोगों का था, वो 370 खत्म कर दी। इनके पास भाजपा का कोई कैंडिडेट नहीं मिला वहां पर, क्यों नहीं मिला वहां पे? मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा फैक्चुअल, अगर कोई भी साथी आरटीआई लगा के पता करना चाहता हो कर लो। 4.5 साल दुष्यंत सरकार में थे, उनके 4.5 साल में उनके लगन से 18,422 करोड़ का निवेश हरियाणा में लेके आए, 1,59,722 एमएसएमई और बड़े उद्योग लगे, उनमें 12,60,000 लोग हरियाणा के नौकरी लगे थे। फैक्ट है ये, कोई चेक करना चाहे चेक कर सकते हैं। सर हमेशा बीजेपी ने कभी भी हेल्थ एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में कभी बात नहीं, इन्होंने हमेशा हिंदू मुसलमान पाकिस्तान इसी पे बात किया है, इसलिए हमेशा आपने वोट करना है युवा ने करना है तो आपने हेल्थ एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट को देखना। राहुल गांधी हमेशा जब भी बात करता है तो सिर्फ इसी मुद्दे पे बात करता है, इसलिए आपने भविष्य सुधारना है तो कांग्रेस को वोट कीजिए। सरकार आज तक पेपर लीक तो रुका नहीं सकी, नीट तक का पेपर लीक हो गया, क्या कहोगे डॉक्टर साहब? एक इस देश का दुर्भाग्य देखो, मोदी देता है गारंटी, गारंटी तो हम देंगे जिताएंगे कि नहीं, पहली बार देखो ये खुद कह रहे हैं मेरी गारंटी। तो जो हमारे यहाँ सिरसा कैंडिडेट खड़ा किया है, कल को जीतने के बाद में भाग जाएगा तो उसकी गारंटी किसकी है? ये मेरे आदरणीय अंकल जी है, मैं इनको कहना चाहता हूँ भी नैलो तो होता है वर्चस्व बचाने के लिए, चश्मे का निशान बचाने के लिए चुनाव लड़ रही है, 13 लाख वोट मिलेंगे तो चुनाव बचेगा निशान, नहीं तो वो भी जाएगा। मैं युवाओं से आज की डेट में जो एक मिनट भाई, जो आज की डेट में इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया की जो इमेज है, मैं सारे युवाओं को एक ये मैसेज देना चाहता हूँ, वो इमेज सिर्फ मोदी जी मेंटेन कर सकते हैं, उन्होंने इस लेवल पे हमें लाके खड़ा किया है। भाई साहब भाजपा प्रत्याशी अशोक तंवर है, उनका एक ही नंबर है 98-105-64-115, सारे शहर में नंबर है उनका, शैलजा से मिलने के लिए पर्ची चलती है पहले दफ्तर में, फिर नंबर आता है शैलजा से मिलने के लिए। मैं सच्चाई बताता हूँ, सार खुद गया था, ये कहते हैं नलो के वजूद की बात करते हैं, इनका खुद का वजूद नहीं है, इनके खुद के पास अपने कैंडिडेट नहीं है, ये दूसरे पैराशूट से लाए कैंडिडेट है, वॉशिंग मशीन से दो लोग। भाजपा के राज में नीरव मोदी और क्या कहते हैं वो मेहुल चौकसी विदेश में चला गया, ये विदेश में डंका है इनका। मोदी जी ने किसानों के लिए सबसे बड़ा झूठ बोला था कि 2022 में आए दुगुनी करेंगे, हमारे को 2021 वाली दे दो, दुगुनी करने की तो बात ही अलग है, तो ये सबसे बड़ा झूठ था किसानों के साथ बोला हुआ। वो सारे पैसे कांग्रेस के दिए हुए थे, ये तो धान लग रहे हैं उनसे, आंतड़ा में कटा होगा छोटा कौन ही हो, भागने क्यों दिया अंकल जी, रोक लेते उसको, एयरपोर्ट को तबाही का था अडानी का। किसान के मामले में मैं खुद किसान हूँ, मेरे 5 सालों में 3 लाख रुपए मेरे खाते में आए हैं। इनके लिए मैं सिर्फ 4 ही लाइनें बोलना चाहूंगा, इनके लिए सिर्फ 4 लाइनें हैं, इनके राज में सिलेंडर हुआ 1000 के पार, इन महंगाई हुई बेशुमार और मंदी हुई अपरंपार, और फिर कहते हैं 400 पार, 300 भी नहीं आएगी। यहाँ पर किसान का हितैषी कौन है? अभय सिंह चौटाला है, असली किसान का हितैषी है तो अभय सिंह चौटाला है। मोदी है अवतार पैदा हुए देश को, इस देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते थे कि हम विदेशों से काला धन लेकर के आएंगे, लेकिन विदेशों से काला धन तो नहीं आया, इन्होंने अपना धन को सफेद करने का काम किया।